नमस्कार नमस्कार सर। आज हमें आलोचना करिबा इंग्लिश पेडागोजी। मु बहुत इंग्लिश एवं उड़िया रे आलोचना करिबी। किछि तो इंग्लिश कहिबा उचित मु जानुची आपनकर इंग्लिश रे टिके प्रॉब्लम हबो, बट मु उड़िया इंग्लिश मिसिकर कहिबी जोटा आपनकु बुझिबार सुविधा हबो। जेतेबेला हमें कहू छे पेडागोजी, वी नो दैट पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। How to teach, what to teach, there are textbooks, but how to teach, that depends upon the knowledge, the ability, the competency of a teacher. Therefore, as a teacher, we must understand what is pedagogy. अर्थात जेतेबेले आपण माने इंग्लिश पढ़ौछंती, कारण इंग्लिश हमर मातृभाषा नुह, इंग्लिश हमर द्वितीय भाषा, इंग्लिश इज आवर सेकेंड लैंग्वेज, तो सेथिपाई कि हमको इंग्लिश केमिति पढ़ा जाए, इंग्लिश पढ़ेबार तरीका सब कौन कौन सब कौशल रही, कौ उपाय पढ़ा जीव, ए विषय टीचर माने जानिबा दरकार। सेथिपाई कि ए विषय आपको दि जाए। यूनिट वन रो कोर्स आउटलाइन होची इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आपण सिलेबस देखिदेवे, मु एक्जाक्टली सिलेबस रे तो सेमती बेसी किछ एलाबोरेट करिनी, बट मु जत्ते मैक्सिमम पारिछि आपणक पाखरे पहुँचेबा पाइकरी, तो ए दीटा आउटलाइन उपरे आमे आलोचना करिबा। फर्स्ट आमे आलोचना करिबा इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। प्रथम पॉइंट हला इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज, English as an associate official language, English for information and news, English as the library language, English as the second language, English as the language of opportunity, people's aspiration for learning English and digital age and English। ये दस टी पॉइंट को हमें डिटेल डिस्कशन करिबा। आरी ऊपर प्राय गोटे दुटा प्रश्न सब आसे। So now we will elaborate or discuss, English is called as global language. Question arises, why English is called as global language? See, there are around 6,000 languages in the world as a whole. English is one of them. Number two point is, see, माने आमे देखु जे पाखा पाखी 6,000 भाषा आछि, ता भितरु इंग्राजी उठे। देखा जाय छि 350 मिलियन लोक इंग्लिश को मातृभाषा भाव में व्यवहार करती, कारण बहुत कंट्री रे इंग्लिश होकर मातृभाषा बा मदर टंग। मोर देन 2 बिलियन पीपल इन पाखापाखि 100 देश में 2 बिलियन लोक इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज भाव में व्यवहार करते। जो जो देश में इंग्लिश शासन चली, कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो जो देश में इंग्लिश लोक शासन करते, सेठिकार लोक माने इंग्लिश को व्यवहार करुछंती, कौ देश में मातृभाषा भाव में व्यवहार करुछंती, कौ देश में सेकेंड लैंग्वेज भाव में व्यवहार करुछंती, किंतु पाखापाखि 100 कंट्री रे, इंडिया बड़े इंडिया, पाकिस्तान, आपण बांग्लादेश, ई सब एशियन मैक्सिमम कंट्री रे इंग्लिशटा सेकेंड लैंग्वेज व्यवहार। रेडल क्विक बोली जड़े ग्रामारियान अच्छा से कहती, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑन व्हिच सन डज नॉट सेट, व्हिच यूजर्स नेवर स्लीप। से बढ़िया कथा टे कहिछन जे इंग्लिश माने जोठी अच्छी बा इंग्लिश भाषा सेठी केवे सूर्य अस्त हुवंतनी, आ एठी लोक माने सुवंतनी जो माने इंग्लिश व्यवहार करन। तार अर्थ होची इंग्लिश टा बहुत माने परिचित, विदाउट इंग्लिश ए देश रे कोन हबो, आमे आगामी पॉइंट गुडा को आलोचना करले आपण माने आउ बेटर बुझबे। एनी लैंग्वेज इन द सेंटर ऑफ सर्च एंड एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटीज। बर्तमान आप देख आंतर्जातिक स्तर में बहुत कारबार सब चलती, व्यवसाय चलती, कथबार्ता चलती, केते कौन कथा नहीं कि जदि इंग्लीश बंद हो चिंता करते। सत कथा कह ग इंग्लीश बर्तमान स्टाटस हूँ गोटे ग्लोबल स्टाटस है, तेणु आटा गोटे एमती भाषा राइट टाइम रे राइट प्लेस रे ताको यूज करिहब। डेविड क्रिस्टल 2003 मसीह कथा जे बर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति रे इंग्लिश रो जति के गुरुत्व अछि ताको हमें ग्लोबल लैंग्वेज ही कहबा, कारण संपूर्ण ग्लोब रो लोक माने एथरे कथाबार्ता करती। आउ गोटे रिसर्च करी देखा जाइछि, आउट ऑफ 10 पीपल
दस जन भितर छ जन लोक इंग्लीश व्यवहार करते डेली डेली लांगुएज व्यवहार करते समग्र पृथ्वीर लोक संख्या देखा जाए प्रत्येक दस जन छ जन इंग्राजी व्यवहार करते आ ग्लोबल लांगुएज हमें कमी हम एवं इंटरनेशनल स्फेयर में जिते भाषा सब अच्छी फ्रेंच अच्छी लाटिन अच्छी जर्मान अच्छी चाइनीज अच्छी किंतु इंटरनेशनल स्फेयर में इंग्लीश हूँ वाइडली एक्सेप्टेड। सेकेंड पॉइंट आम देखा इंग्लीश फॉर ट्रेड एंड कमर्स। इंग्लीश इज मीन फॉर ट्रेड एंड कमर्स नेशनल लेवल रे हो इंटरनेशनल लेवल रे हो आपण माने छोट छोट व्यवसाय विषय में जी आपण धारणा थी विदाउट इंग्लीश ना चिठी हो पार ना बिल हो पार। आजिकल तो डिजिटल बिल है डिजिटल बिल रे तो इंग्लीश रे ही आपको बिल करिया पड़ो। सो सी हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस तेना इंटरनेशनल बिजनेस जो प्रकार हो डिप्लोमेसी जो लेवल रे हो साइंस प्रोफेशन मानने जी जिन एक्रॉस दि कंट्री हूँ एक्रॉस दि वर्ल्ड हूँ विदाउट इंग्लीश वी आर हेल्पलेस। जेकोसी आप व्यवसाय करतु निश्चित भाव इंग्लीश रा आवश्यकता पड़ो। जिते करेस्पंडेन्स आम करे ये जिनसटा पठातु यही जिनस पठातु आ मैक्सीम जिन ना भी तो ओडिया देखा कष्ट पड़ो आप लिखे कौटी है तापर देख जिते आप जिनपत देखुं कवर्स मैंने जेकोसी पैकेट उपर लेखाई रेपर मैंने जो गुड़ा सब तर साबुन रो खोलटा को रेपर कहते सेचेट्स मैंने छोट छोट आप पैकेट गुड़ा ना ये सेचेट्स कहते ये थोड़ा जो शैंपो टिके टिके शैंपो पैकेट गुट ना था आजिकल सब पान पुड़िया ये सब अच्छे से गुड़ा सेचेट्स कहते कंटेनर्स अफ डिफरेन्ट आर्टिकल जो विभिन्न जिनस पैकेट होके आसे ये देखिए चारिड़े मैक्सीम जगह मैक्सिमम जिनस इंग्लीश रे ही लिखाई तेणु आटा को आम कौचे कौन ना इट इज ए लांगुएज ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। आप होर्डिंग मैंने जो रास्ता कड़े सब मराह न था कि बैनर फैनर भाया फ्लेक्स करी कलेज पाठ पढ़ात यही जिनस किणतु लक्स व्यवहार करूँ है कि तेनाली होर्डिंगस कहती विभिन्न प्रकार फ्लेक्स मराई था देखिए एडभर्टाइजमेंट दिया था ये जिते सब देखिए आप ओडिशा भितरे मध्य आपण जदि टोटाली डाटा नहीं जिबे मैक्सिमम इंग्लिश रे थिवो कम ओडिया रे थिवो बहुत कम। तीन नंबर देखिबा इंग्लिश इज टर्म इज लिंक लैंग्वेज। देखो लिंक लैंग्वेज आपण काहेकि कहिबे मु आपण गोटे पूरा एग्जांपल दे देबे आपण बेटर बुझिबे। धर जे आपण तेलुगु जानिनांति आपण जाइचंद्री हैदराबाद आपण तेलुगु जानिनांति हैदराबाद रो लोक प्राय हिंदी व्यवहार करती ना आपन कौन करेंगे से आपन निश्चित भाव रे ना उड़िया सी बुझे ना तेलुगु आप बुझे तेणु इंग्लीश से आपणकर लिंक रहा दिज भितर लिंक किए ना इंग्लीश इज द लिंक सी इंग्लीश रे कह आपण भी इंग्लीश रे कह जेहेतु मैक्सिमम कंट्री रे मैक्सिमम स्टेट रे मैक्सिमम स्थान रे इवन गोटे कंट्री भितर इंग्लिश को आम लिंक भाव में व्यवहार करुचु और परस्पर को बुझुचु से इंग्लिश को लिंक लांगुएज भी कह आमर आप जानते आम भारत हूँ गोटे मल्टीकल्चरल आमर बहु संस्कृति लोक ये अच्छा विभिन्न धर्मर लोक अच्छा विभिन्न संस्कृति लोक अच्छा आपड़ देखते जितकी ट्राइबल संस्कृति आमर अच्छी कौन से कंट्री एति नेणु मल्टीकल्चरल कंट्री आ गोटे कथा मन रखिए जे आमर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी जोटा कन्स्टिट्यूशन रे एक्सेप्ट कराई से भाषा 22 स्टेट आमर बहुत गुड़ाक अच्छी किंतु 22 भाषा को आपण जेटा जाउछन्ती मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जोटा MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मन रखिबे एटा मदर इंडियन लैंग्वेज नुहे मदर मॉडर्न मॉडर्न MODERN मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस 22 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज बोली कहा ऑफिशियली ग्रहण कराई आपण मैंने जानते भारत में पखापाखि 1600 अधिक भाषा अच्छी विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार विभिन्न ट्राइबल विभिन्न लोकल वर्नाकुलर्स सब रही आम जिते जेकोसी स्टेट को जाऊँ मुझे आंध्रार उदाहरण देवी हैदराबाद जो जाती जोटी जातु आमको इंग्लीशटा ही मझे साय कै
दी जन परस्पर भितर कथा हवा पाई ताकु लिंक बोली कह जाए। आपण जेतले धर चाइना जाउचंती फ्रांस जाउचंती जर्मनी जाउचंती तांकर अलग भाषा अछि चाइनीज फ्रांस रो फ्रेंच जर्मन रो जर्मन जर्मनी रो जर्मन आपण जेतले से अंचल को जाउचंती आपण चाइनीज जाननांती कि फ्रेंच जाननांती कि जर्मन जाननांती तेनु आपण से माने इंग्लिश जानिचंती तेनु इंग्लिश रे कथाबार्ता करचंती अर्थात नेशनल लेवल रे हो इंटरनेशनल लेवल रे इंग्लिश टा गोटे लिंक लैंग्वेज भाव रे काम करछ। आउ गोटे कथा इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मु भारत कथा कहुची भारत गोटे मर्यादा दिखाई एटा गोटे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माने ऑफिस रे जिते सब कार्यपत्र कागज पत्र खाता पत्र लेखालेखी सब गुड़ाक यही भाषा हम एबे सरकार ता भितर गोटे परिवर्तन टिके आणुचंती जे आपण जदि ओडिसार लोक ताले ओडिसा ओडियारे मध्य आपण फाइल लिखि पारिबे तो ओडियार लिखले कौन हम ना जोठे आपण नेशनल लेवल रो करेस्पोंडेंस थे आपण दि थर लिखिबा पड़े ओडियारे भी लिखिबे इंग्रजी भी लिखिबे जोटा निज स्टेट भितर सीमित ताकु ओडियारे लिखि पारिबे बोली आपनकु अधिकार दिया जाय कारण मल्टीलिंगुअल को हालानी ना बट इंग्लिश को गोटे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज रो मर्यादा दिया जाय इट इज कॉल्ड एज इंग्लिश इज ऑफिशियली यूज्ड इन आवर ऑफिसेस ऑफिशियली आपनको मन इच्छा बा मो मन इच्छा रे सरकार तक ग्रहण कराई कन्स्टिट्यूशन तक ग्रहण कराई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हो बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो रेलवे हो एयरवेज जोड़ी भी जातु इंग्लीशा भाषा व्यवहार करनी सर्ट अफ ऑफिशियल कंप्लायंसेस आपड़ जिते कंप्लायंस करेंगे कौन गोटे सुविधा असुविधा कंप्लायंस देवे आपण स्कूल पांच दिन आप क्लास करना पिला आसीना मिड डे मिल्स दिहला कि ना आपको मिड डे मिल सेल इंग्लिश मैंने ईयर दिल्लीर मिड डे मिल्स आपको पचारद आप इंग्लीश हम लिखे थ्रो आउट दि कंट्री इनभेस्टिगेसन जहाँ हम एटा आपण मु कहले होनी कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे ताकु करा हिजे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भाव तक ग्रहण करा हिजे आउ तापर ए सब कथा छाड़ंतु किंतु सतर कथा देखियो गले विदाउट इंग्लिश रे हम लाइफ टा गुडे हेल्पलेस भलिया लागबो आपण जेठी जानतु जत्ते कम्युनिकेशन कथा कोंतु विभिन्न सेंटर को जानतु स्टेट को जानतु कम्युनिकेशन पई इंग्लिश रो आवश्यकता रहिजे एटा गुडे ऑक्सिलरी लैंग्वेज बोली कहा होजे एकदम नेसेसरी आप पई राम पाकर बहुत बड़ा ऑप्शन टे अछि बाध्य नुहे कि बड़ ऑप्शन अच्छे आम अन्य मान सहित इंटरेक्ट करने आपड़ कहना मुझे इंग्लीश कह कहला आप जानते आपन के सीमित होपणक कि बाध्य करूशन लिखाई जो तुम्हें इंग्लीश कहना बाध्य बट या पढ़ा इंग्लीश इज एन अपरचुनिटी कि एसोसिएट ऑफिशियल ऑफिस रे आपको व्यवहार करने बाध्य मुझे कैपिटाल लिखिली कहीं बर्तमान जो सिचुएसन भारत आम अच्छे भारत लोक We cannot avoid English. India cannot avoid English. Without English, our life is helpless. एबे देखिबा पांच नंबर English for information and news. आपण जे कोनिस प्रकार इनफॉर्मेशन पाई परिबे इंग्लिश नै पाइबे मैक्सिमम इंग्लिश रे जोडी जा आपण इंग्लिश रे ही पाइबे उड़िया रे बहुत कम जिनस आपण पाइबे लिखित परिबे ने मु तो देखि छी जो माने सब भल भल इंग्लीश बही गुड़ाक इंग्लीश रे ओडिया रे ट्रांसलेट करे कौन है से बही पढ़ा पढ़ा उचित नुहे बलम्बत लगे एमती ट्रांसलेसन होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन कथा कहते आप जिते जी पीएसएलवी टू पीएसएलवी थ्री जिते सब जा कि अक्ष अक्षर कक्षर अच्छी जिते सब बुलू उपग्रह गुड़िक हाउ डा सैटेलाइट कम्युनिकेशन मेड कि सब तुम आपठ की जातु अन्य कौन सी लैंग्वेज ना लिखला भाया हाउ डू यू ऑपरेट कंप्यूटर्स कंप्यूटर को जातु किसी अन्य किसी पाइबे व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कैन वी ट्रांसलेट दिज इन आवर मदर टंग आम ओडिया ट्रांसलेट कर माउस को मूसा बोली कहे कीबोर्ड को कीबोर्ड को कौन कह तार ओडिया पाइबाटा कष्ट हाउ मेनी ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स आर देयर इन रीजनल लैंग्वेज आपण जेते ऑथेंटिक रिजल्ट कथा कहिबे ऑथेंटिक न्यूज कथा कहिबे सब मैक्सिमम इंग्लिश रे आपण टीवी खोल दियंतु ना इंग्लिश रे जते बेले थाउजेंड्स थिबो आपणक मदर टंग रे 100 भी नथिबो तापरे वर्तमान अवस्था रे ये जो कम्युनिकेशन और न्यूज आप देखते यूट्यूब कहतु गूगल कहतु ये गुड़ा नथिले मनुष्य बंची पारे फेसबुक ये सबू तो सही
ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ କି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ତକଲିଫ ହେବ ଇଂଲିଶ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ବା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡା ହୋକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଇଂଲିଶ ଶିଖ, ସେ କଥା କହୁନି। ବଟ୍ ଯଦି ଇଂଲିଶ ନ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଜଣେ ବୁଝେଇ ପାରିବନି, ନିଜେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କାହିଁକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୁହାହେଉଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ହେଲା, ଯେତେ ସୋସିଆଲ ହଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନୋଭେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶ, ଯେତେ କଥା ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ବହିରେ ଲେଖା, ହେଲ୍ଥ ହଉ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହଉ ଯେତେ ସାଇନ୍ସ ହଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଲେଖା, ଯାହା ପଢ଼ିବେ ବହିରୁ ପାଇବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ବହିରୁ ପାଇବେ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହେ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ନୋବେଲ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଯଦି ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ଇଂଲିଶରେ ନ ଲେଖି ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତା? ଚିନ୍ତା କରୁ, ସ୍ମଲ୍ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବୁକର୍ସ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ବେଙ୍ଗଲରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନଥାନ୍ତେ? ଆଉ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯଦି ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଆଜି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଏ ସେ ମରଣୋତ୍ତର ଇଏ ପାଇବେ, ନୋବେଲ ପାଇବେ। କେଉଁ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବହି ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ଥିବ। ଯଦି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ 10,000 ବହି ଅଛି, ଆପଣ 8,000 ବହି ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ମାନେ ଇଂଲିଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଇଂଲିଶ କଷ୍ଟ ଭାବିକି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହେଇଯାଏ। କେହି ତ ମା' ପେଟରୁ ଶିଖିନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନ ଡରିକି ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ହେଇଯାଉ। ଥରେ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ସୋ ଚାର୍ମିଂ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମାତ୍ର 35 ମାର୍କ ରଖିଥିଲି ଇଂଲିଶରେ, ମାନେ ଗଧର ଗଧ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିଲି, ଦୁଃସାହସ ଟିକେ କଲି, କମିଲେ କମିବ, ମାର୍କ କମିଲେ କମିବ, ବଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ହାଇ ଗଟ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲି। ସୋ ୟୁ ସି ଯେ ସାହସ କଲେ କେମିତି ହେଇଯାଏ। ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଟିଚିଂ ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ହୁ ଆର୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଲାଇକ୍ କେ ଭି, ଡି ଏ ଭି, ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ମାଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିକ୍ୟୋର୍ 35 ମାର୍କ୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ କେରିଅର, 39 ଇନ୍ ମାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେରିଅର। ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ହାଉ ଡିଡ୍ ଆଇ ଡେଭଲପ୍ ଦି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ୍ ଟିଚିଂ ଦ ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦୋ ସ୍କୁଲ୍ସ ହୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ମିନିୟମ୍, ICSE କୋର୍ସ, CBSE କୋର୍ସ, ଦେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଦେ ଆର୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଦେୟାର୍ ସ୍କୁଲ୍ସ। ଜଷ୍ଟ ୟୁ ଇମାଜିନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱେଲ୍ ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ମୋ ଠାରୁ, ମୁଁ ମେଟ୍ରିକରେ ଯେତିକି ରଖିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ ମାର୍କ। ତ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠୁ ଉତ୍ତରିକି ଆସିକି ଟୁଡ଼େ ନା ଟୁଡ଼େ ଯଦି ଇଭିନ୍ ଆମ ସେମିନାର ଫେମିନାର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପିପୁଲ୍ ଆର୍ କଲିଂ ମି, ଜଷ୍ଟ ୟୁ ଇମାଜିନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ, ସୋ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଅଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏତେ ବହି ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେ କଥା କହିବାର। ସୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଅ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ବିକଜ୍ ଏଜ୍ ମେନି ଏଜ୍ ବୁକ୍ସ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 7, ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଆୱାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଟ୍ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କି ବୁଝିବା, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଏ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ନୋ ନୋ ନୋ, ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଅ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ବି ଏୱେକ୍, ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି ନା ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେଇଟା ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିସର ବା ପିଲାର ପରିସର ପରିବେଶ ଭିତରେ ନଥିବ, ପୁରା ନୂଆ ଭାଷା, ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, କେହି କହୁନଥିବେ, କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ସେଇଭଳି ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି କହୁ।
सेकेंड लांगुएज कौन ना से भाषा विषय जी आम एक्सपीरियंस किसी अच्छी किसी आम परिवेश परिस्थिति रे अच्छी आम नॉर्मल लोक किसी यूज करन दैट लांगुएज इज कॉल्ड इज ए सेकेंड लांगुएज। बर्तमान मुझे आपको गोटे प्रश्न पचारि मुझे शब्द कही जागुड़ा उड़िया ना इंग्लीश आपड़ कहे मुझे क्लासरूम स्टार्ट करी टेबल चेयर बॉल स्विच डेस्क बेंच डस्टर चॉक इज जस्ट इमेजिन एड़ा उड़िया शब्द ना इंग्लीश शब्द इंग्लीश सर ऑल आर इंग्लीश वर्ड्स बट सर इंग्लीश हां बट आम अंचल रे जेते बुढ़ा बुढ़ी होई था पूरा बुढ़ी पाचिला बुढ़ी जाको आमे को ताकू भी पचार सीएटा को उड़िया बोली कहब सी मोर बाप इंग्लीश जाने कि कहत हे गोटे ग्लास पा देलु है जहा सर टी पाखे बस गोटे टी फ्रिजटा टे फ्रिज्रु मत पा आनीदे व्टर बटलटा तारी भर अच्छे रे ऑल आर यूजिंग इंग्लीश आदि आम यही लेवल इंग्लीश यूज करूचे केठ पढ़ ना लोक यूज करेन लांगुएज बोली कमी कह तेणु इंग्लीश इज आवर फॉरेन ए फॉरेन सेकंड लैंग्वेज बट चाइनीज जदि हबो इट इज फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज राइट थोर थोर सुना जाऊ हां सर थोर थोर सुन क्लियर ई नेट फेट टिके प्रॉब्लम रहउ छी मा फोन करे क्लियर एबे सुबुज त एबे सुबिला सर एबे सुबुजी आज नेट प्रॉब्लम रहउ छी मोर त ब्रॉडबैंड कनेक्शन तथापि आज टिके कटर कटर हो छी ए विकास सर भी कहतले एबे सुबुजी ना ना कटु छी हां एटे आज टिके प्रॉब्लम हो छी ना कंटिन्यू करबी ना शुड आई कंटिन्यू सर पॉइंट गुडा को देखा गले न सुना गले भी हेइ थांता पॉइंट ए प्रेजेंटेशन होउ नी की आई सर बुझीगले इंग्लिश बुझे सुविधा सेकेंड लांगुएज आम कहे सेकेंड लांगुएज इन वन इज वन व्हिच इज अवेलेबल इन आवर सोसाइटी एज वी फाइंड इंग्लिश इन रोड्स ऑफिसेस वॉल्स स्कूल्स हॉस्पिटल जो भी जाओ तुम्हें इंग्लिश रे व्यवहार कर तुम्हें ऑफिस को जाओ देख मैक्सिमम इंग्लिश रे स्कूल को जाओ मैक्सिमम इंग्लिश हॉस्पिटल जाओ स्टेशन जाओ जो भी जाओ देख इंग्लिश अच्छी तेणु आम इंग्लिश को फॉरेन लांगुएज बोली कहबा किंतु आउ गोटे कथा आपने जब भावुथिबे सेटा फॉरेन कंट्री रु आछि बोली फॉरेन लैंग्वेज सेटा भूल धारणा फॉरेन लैंग्वेज रे कांसेप्ट सेटा नहि संपूर्ण अजना भाषा जोटा सेटा होजे फॉरेन लैंग्वेज गोटे उदाहरण देले आपण बेटर बुझ परिवे धरा जाओ मु बहुत इंटरियर रे से हमर गोटे गरुमहिसान रु 10-12 किलोमीटर भितर गले चढ़ई पहाड़ी बोली गोटे जगह अच्छी ए चढ़ई पहाड़ी जगह को गले सेठी जो संताली बा मुंडा लोक अच्छा वयस्क लोकटे छोट पाते टे टे जान लेनी कितु से वयस्क लोक मैंने एकदम ही उड़िया प्राय बुझे तेणु बर्तमान से गोटे फॉरेन लैंग्वेज कारण परिवेश रे उड़िया आदु ना कंधमाल गोटे गोछापड़ा बोली जगह अच्छी पहाड़ उपरिटी लोक मैंने कि बुझे इवेन छोट छोट पाने भी से बुझ ना 2003-4 मसा कथा कह तेणु उड़ियाटा भी गोटे फॉरेन लैंग्वेज मुँ कथा कह आपरा जाओ आप मुंडा कम्युनिटर लोक किंतु मुंडा कम्युनिटी कौन सी सांताली भाषा गोटे फॉरेन लैंग्वेज हम कारण आप भाषा भितर गुड़ाए भाषा सामान अच्छी गुड़ाए शब्द सामान आसे है कि ना तेणु आप निजे चिंता करेंगे जे फॉरेन लैंग्वेज कौन आउ सेकेंड लैंग्वेज कौन गोटे आपरा मुझे आप पचारि जो मैंने सांताली कम्युनिटी अच्छा आपण मदर टंग कौन सांताली ना ओडिया मातृभाषा कौन सांताली द्वितीय भाषा कौन सेकंड लैंग्वेज कौटा ओडिया भी हम इंग्लीश भी हम इंग्लीश हम नी जगार इंग्लीश लैंग्वेज भावे जनकर दीटा तीन टा सेकंड लैंग्वेज हो पार
आपण मानकर दुटा सेकेंड लैंग्वेज पूरा धरा बंदा मोर गोटे सेकेंड लैंग्वेज बर्तमान मोर ओडिया मातृभाषा इंग्लीश है सेकेंड लैंग्वेज कि जेहेतु आप मुंडा सांताली कम्युनिटी अच्छा आपण मानक मातृभाषा है आपंकर सांताली मुंडा और ओडिया हूँ गोटे सेकेंड लैंग्वेज इंग्लीश हूँ गोटे सेकेंड लैंग्वेज नाउ इज इट क्लीयर सेकेंड लैंग्वेज आ फॉरेन लैंग्वेज बुझीला तो ओके इंग्लिश ऑफिशियली फाइंड ए प्लेस ऑन द कवर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स टूथपेस्ट कहतु साबुन कहतु ऑयल माने जो तेल पैकेट कहतु जहाँ जिनस मार्केट जातु देखीदेवे 100% जिनस कौन बेन इवन आप देखिए टिकिरी छुआटे भी एकदम चुई छुआ सी किसी इंग्लीश विंग्लीश पढ़ी सी मामा तुम्हें लाइव बॉय आनीच ना हाँ जानते मैं लाइव बॉय आनीच लाइव बॉय कौन से लाइव बॉय कौट जान ला एमती देखी देखी लांगुएजटा कम्युनिकेटिव ना देखी देखी शुणी शुणी जान दीजिए पढ़ी सीखुनी से कह एटा लाइव बॉयटा तु जी कह ना ना लिरिल है तुम्हें जानी ना एटा लाइव बॉयटा एटा कलगेटा मुझे जानी एटा कलगेट कि सी सी सीखनी कि ओ सीखनी कि एल सीखनी जी ए टी सीखनी बट यही भाया आमर कम्युनिटी भितर अच्छी से आमे सेकेंड लैंग्वेज बोली कहे एज ए होल इट इज अवेलेबल अराउंड अस ऑलवेज सब आम पाखे अच्छी किंतु जर्मन चाइनीज फ्रेंच युवा आमपाई सब फॉरेन लैंग्वेज इवन आउ गोटे जो उदाहरण देली आपन इवन मुझे आम गोरुमईसान गोटे उदाहरण आपची गोरुमईसान किसी सांताली पिला अच्छा जो मैंने सांताली भाषा भी जानते प्राय जानते मुझे जो लिखापे कहे ना सर मुझे तो पूरा पिलाटे भुवनेश्वर में पाठ पढ़ी और सर एक्चुअली आम घर भी कथबार्ता हमने सर किसी जान चिंता कर अर्थात सीए सांताली कम्युनिटी लोक किंतु सांताली भाषाटा मध्य गोटे फॉरेन लैंग्वेज कारण जादू एक्सपोजर पाई ना यू जस्ट इमेजिन इंग्लिश अ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी अ लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी मुझको अपॉर्चुनिटी कथा खाली गोटे कहीदिए मुझे लंडन पढ़ापी गली सरकार स्थिर कले बाछिले चारज को ओडिशारु से मोर भाग पड़ला विभिन्न जितने देखागला आम बैकग्राउंड देखागला आम पाखे कौन नलेज से देखागला आम दक्षता कौन से देखागला इंग्लीश भल जानी कि ना देखागला से आई टॉप इट इंग्लीशा इंग्लीश मु तो कौच इंग्लीशा मुझे भलि जानी बोली मत चयस करागला ना मुझे इंग्लीश में मोर न था भेजा मे बी मुझे सुजोग पाई न था सरकारी स्तर में गोटे दु तीन मस जानस जा पाठ पढ़ को आसपार ना बाप पैसा तो पाठ पढ़ा आम भाया पर लोक संभव नुहे सरकारी सो दिस इज इंग्लिश व्हिच इज कॉल्ड अ लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी आपड़ जब इंग्लिश स्ट्रांग अच्छा बहुत बढ़िया जॉब मध्य करेंगे बहुत भल पाठ पढ़ुए कि इंग्लिश रे भेजा ना इंग्लिश रे प्रैक्टिस ना इंग्लिश बेसी जानूना आपण मैंने दुखर कारण हो भाव जो इंग्लिश कहीं जान ली तेणु चिंता करूँ आपण पिला केमती या जिते कैरियर कथा आम कहे आप आईएस कहतु ओएस कहतु इंजीनियरिंग कहतु जहाँ हूँ आपंकर इंग्लीश प्रोफिशिएंसी नथिले इंटरव्यू क्लियर करें ना पीपल विथ गुड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कैन प्रॉस्पर वेल इन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट आप जॉब मार्केट कहतु व्यवसाय कहतु है व्यवसाय कहतु चाकरी क्षेत्र में कहतु एजुकेशन क्षेत्र में कहतु जार इंग्लीश उपरे भल भेजा अच्छे लोक निहाती पचारे अपॉर्चुनिटी अच्छी पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो जेकोसी जगार जॉब करने को जातु इंग्लीश प्रोफिशिएंसी नथिले आपन सक्सेस हो पारे तेणु इंग्लीश हूँ गोटे अपॉर्चुनिटी एमएनसी फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनीज गेटिंग ए जॉब इन एमएनसी इज अ ड्रीम फॉर एवरी यंग इंडियन ठीक ना नहीं आम यंग पिला सब गोटे इच्छा गोटे फॉरेन कंट्री सॉरी बाहर देशर कंट्री मल्टीलिंग मल्टीनेशनल कंट्री रे मल्टीनेशनल कंपनी रे चाकरी करिया आ इंग्लिश जदि जान नथियो किए पचार तुम से कौन हिंदी तुमको पचार ना ओडिया पचार आ गोटे बढ़िया जिनस इंग्लिश एंड पीपल्स एस्पिरेसन आपण मैंने निजी को चिंता करूँ आप बहुत समय भावती पाखे जदि गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल था जो मानक तो अच्छी निहाती पढ़ाऊँच आपड़ जिते अभाव रही भी छुआ को इंग्लीश मीडियम पढ़ेगा कथा आपड़ इंस्पिरेसन मैंने आकांक्षा बहुत आशा बड़ आशा जहाँ निहाती मो छुआ इंग्लीश मीडियम पढ़े हालांकि इंग्लीश मीडियम पढ़ले एटा कर मेडिकल दब के कथा दिस इज कल इंस्पिरेसन कमन मेन रो इंस्पिरेसन मो छुआ इंग्लीश पढ़े गोटे रिक्सावाला आपड़ सामाखुंटू
रिक्सा आसिक से ऑटो चलाउछन्ति दुटा छुआ को नहीं आसुछन्ति एठी इंग्लिश मीडियम पढ़ाउछन्ति ऑटो चलेले गला बेल को छुआ को नहीं घर को फेरुछन्ति इमेजिन गोटे ऑटोवाला तार इंस्पिरेशन अच्छी मो छुआ इंग्लिश रे पढ़े तेणु आज भारत रे सिंबल ऑफ एस्पिरेशन आपण देखिबे जो सहर मानक छुआ मैंने भी आजिकल केमती स्टाइल रे कथा होचंदी माने हेलो पापा आई एम सो सॉरी की देखो आजिकल गोटे कौन कह जिते ये कथबार्ता होती बाप माकर ओह मो छुआ बढ़िया इंग्लीश कह छुआ पूरा बढ़िया इंग्लीश के खुशी हो जा दिस इज कॉल्ड एस्पिरेशन सब बाप माँ मन में यहाँ अच्छे समस्ते भाविले आजिकल इंग्लीश न जानले आम लाइफ रे किछि नाही विदाउट इंग्लीश लाइफ इज लिमिटेड इंग्लीश शोज द रोड फॉर वर्ल्ड्स क्लासिकल लाइफ यदि माने समग्र पृथ्वी रे गोटे बढ़िया जीवन आपण बीतेबाक चाहूछंती दिस इज इंग्लीश आ गोटे बड़ कथा आम मुंडे पशी एवं इंग्लीश इज ए सिंबल ऑफ प्रेस्टीज एंड रेस्पेक्ट जहाँ जब इंग्लीश भले जाणी ताको भले रेस्पेक्ट समाज रे दौछंती लोक दौछंती सतरे दौछंती तापर 10 नंबर पॉइंट हूँ आप कह मैंने आवश्यकता ना डिजिटल एज आजिकल कहतु ये जो कोविड 19 रे समस्ते जाणीगले व्हाट इज डिजिटल वर्ल्ड व्हाट्सएप कहतु फेसबुक कहतु गूगल मीट कहतु जूम कहतु जिते प्रकार सब प्लाटफर्म अच्छी से कौटी आप विदाउट इंग्लीश रे काम करें सॉफ्टवेयर कहतु हार्डवेयर कहतु टेक्नोलॉजी कहतु सब इंग्लीश द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ आन यूबिक्यूटीएस आम कहे आन इनफ्लुएंस शब्द गुड़ाक भूल जातु खाली आप पृथ्वी में जिते वर्ल्ड वाइड वेब अच्छे WWW आम कहने कि सब इंग्लीश इंग्लीश इज टिपिकाली द लांगुएज अफ लेटेस्ट भर्सन आप्लिकेसन जिते सब आसुच्ची सफ्टवेयर फ्रीवेयर सेयरवेयर पियर टू पियर सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट सब इंग्लीश सॉफ्टवेयर मैनुअल्स हार्डवेयर इंस्टॉलेशन गाइड प्रोडक्ट जिते साधन आप कंप्यूटर रिलेटेड जहाँ सब जिनस अगर गुड़ाक बर चलो कि डिजिटल एड्रे आप तार ओडिया खोजिक पाइबे सो एज ए होल मु 10 पॉइंट्स कहली इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश में थैंक यू वेरी मच मु रिक्वेस्ट करी आपण मैंने आउ टे बेसी पढ़ापढ़ी करूँ और बेसी शिख